प्रतिष्ठा का जो उत्साह है वो हर जगह पर देखने के लिए मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा भले ही अयोध्या में होने वाली है लेकिन राम उत्सव पूरे देश भर में देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त आप मुंबई में कहाँ मौजूद हैं और कैसा है माहौल, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देश भर में जो राममय माहौल है वो हम देख पा रहे हैं और उसी क्रम में जो है यहाँ पर जो भक्त हैं जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं अपने आराध्य से जो मिल नहीं पा रहे हैं उनके लिए जो है हम देख पा रहे हैं कि जगह जगह अलग अलग तरीके के जो है प्रतिबिंब और जो प्रतिकृति है, अगर कहा जाए तो जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसका रेप्लिका जो है वो हम देख पा रहे हैं। और मुंबई के ओशिवारा इलाके में कुछ इसी तरह का अयोध्या मंदिर जो है वो हम देख पा रहे हैं, जहाँ पर भक्तों के लिए जो है स्वरूप के तौर पर जो है राम जी की मंदिर जो अयोध्या में बन चुकी है वो हम देख पा रहे हैं। आइए सीधा आयोजकों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर, ये आपने यहाँ पर भव्य मंदिर बनाया है, क्या वजह रही है? कलयुग में प्रभु रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और उस वनवास के बाद जब प्रभु रामचंद्र जी पुनः अयोध्या वापस आए तो दीपोत्सव मनाया गया। कलयुग में 500 वर्षों के वनवास के बाद आज मेरे रामलला फिर से अयोध्या धाम में लौट रहे हैं। पूरा भारत आज दीपावली उत्सव मना रहा है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कल सभी लोग दिवाली मनाएंगे, अपने अपने घरों में दीपोत्सव मनाएंगे और उसी उपलक्ष्य में कल सभी लोगों की ऐसी इच्छा है कि कल अयोध्या में जाएं और मेरे रामलला के मंदिर के दर्शन करें। पर जिसको संभव नहीं है तो इसीलिए आज यहाँ पर 50 फुट ऊंची, 75 फुट चौड़ी और 40 फुट गहरी ये राम मंदिर की प्रतिकृति और राम दरबार यहाँ पर स्थापित किया गया है। अयोध्या धाम से अयोध्या की रज और सरयू नदी का जल लाया गया है जिसे आज शाम को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा और दर्शन हेतु जो भाविक अयोध्या नहीं जा सकते वो यहीं पर आकर के रामचंद्र जी का दर्शन लेते रहे। बिल्कुल, जिस तरह से जो आयोजक हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है राम जी का जो दरबार है वो पूरी तरह से सजा दिया गया है। हम विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर राम मंदिर जो राम दरबार है वो यहाँ पर लगाया गया है। देख पाएंगे हम यहाँ पर कितनी खुशरूप जो है श्री राम की जो मूर्ति है वो है, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और उनके प्रिय जो है हनुमान जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा हम और भक्तों से बात करते हैं, आइए इनसे समझते हैं कि इनका क्या कहना है। मैम, आज जो है अयोध्या के मंदिर स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जय श्री राम। राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा की प्रतिमूर्ति की स्थापना जगह जगह की गई है, जो भक्तजन नहीं जा पा रहे उनके लिए एकदम पारंपरिक धुनों में रामचरितमानस के साथ में एक आनंदमयी जो अनुभव जो देने के लिए जगह जगह इस तरह के मंदिरों के निर्माण करे हुए हैं और कल प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी की जा रही है। उसके लिए मैं कहूँगी कि सब लोग अपने 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 स्थानों में आसपास के जो भी राम मंदिर हैं जहाँ भी इस तरह के लोग जमा हो रहे वहाँ जाएं, अपने प्रभु का वहाँ से स्वागत करें, उनका आवाहन करें। और इसी के साथ एक दो लाइन भी मैं गाऊंगी प्रभु जी के लिए, रागश्री में ये बना हुआ है। चलो री माई राम सिया दर्शन को, रघुनंदन रथ में आवत है, देव सकल कुसुमन बरसन को, राम छवि निरखी अति सुंदर पाछे लक्ष्मण भाई है, दास हनुमत चरण विनियत भरत शत्रुघ्न चमर उड़ावत नी को। चलो भक्तों, राम जी के स्वागत के लिए सब लोग आओ और जगह जगह जाओ राम जी का नाम लो, जय श्री राम। बिल्कुल, काफी सुंदर प्रस्तुति आपने दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रभु की भक्ति की तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं राम दरबार के साथ साथ अखंड रामायण की जो है वो पाठ किया जा रहा है। विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हारमोनियम की पेटी, ढोलक और जो उत्साह है भक्तों में हम देख पा रहे हैं इस विजुअल के माध्यम से, जो वो हम इस
बार देख पा रहे हैं। और ये जो रामायण है, रामायण में जो प्रभु के जो तरह तरह की जो चीजें हैं वो इस रामायण के जरिए हम देख पा रहे हैं। अभी की बात करें तो अभी बालकांड जो है वो चल रहा है, इसके आगे काफी ज्यादा जो हम प्रभु के बारे में जान पाएंगे। और भी हमारे साथ भक्त जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, काफी सालों के बाद जो है अब प्रभु अपने घर को लौट रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग, बहुत खुशी है, मैं आज दर्शन करने भी आ गई यहाँ पे। मैम, आपको कैसा लग रहा है प्रभु के लाभ, राम के दर्शन? हमारे रामचंद्र जी से तो हम लोग सब पैदा हुए हैं ना, हमारे रामचंद्र जी गलत में बहुत अच्छा लगा, ये जान लिए सारे दुनिया में डंका बच गया। आज हमारे राम हमारे पास आ रहे, करीब है। तैयारी कैसी है, पूरी तैयारी? अरे पूरी एकदम दम लगा के तैयारी, जय श्री राम करके नारा लगाना है। इसी तरह से जो है प्रभु की तैयारी जो है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है इस वक्त मुंबई के सौरभ, संभव हो वहाँ जो आयोजक है उनसे आप जानने की कोशिश कीजिए। कल जब प्राण प्रतिष्ठा होगी 12 से 1 बजे के दौरान, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उस वक्त मंदिरों में किस तरीके की तैयारियां की जाएगी, किस तरीके की पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में होनी है, बाकी मंदिरों में किस तरीके का आयोजन रहेगा उस वक्त? जी बिल्कुल, अगर प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाए तो प्राण प्रतिष्ठा भले ही अयोध्या में हो रही है, लेकिन जो उसकी पूजा है, जो उसका असर है वो हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं, क्लब्स हैं, वो हर जगह जो है अपने अपने अनुसार, कोई टेलीकास्ट करने की बात कर रहा है तो कोई अपने यहाँ पूजा अर्चना कर प्रसाद जो है उसकी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए सरकारी दफ्तरों में भी जो है प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जो है हाफ डे छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो अतिथिगण है वो भी अपने श्रद्धा के अनुसार जो है प्राण प्रतिष्ठा पूरी कर रहे हैं। इसके साथ आइए और भक्तों से हम जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनकी क्या तैयारी है। मैम, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपकी क्या तैयारी है? प्रभु 500 साल बाद अपने घर लौट रहे हैं, 500 साल बाद घर लौट रहे हैं। हमारे जनरेशन को स्पेशली ये बोलने की बहुत आवश्यकता है कि अस्पताल भी बनाया है, घर बनाया है, विद्यालय भी बनाए हैं, और जहाँ कहाँ था मंदिर वही बनाएंगे। और स्पेशली मेरे जनरेशन को कहने की इच्छा है, हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर। सौरभ, एक तरीके से जो विरोधी है वो आरोप कर रहे थे कि अस्पताल बनाइए, स्कूल कॉलेजेस बनाइए, उनको जो भक्त है वो भी अब जवाब देते नजर आ रहे हैं।